नमस्कार किसान भाइयों, मैं उत्तम वर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टेक्निकल किसान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाइयों, इस समय आप मेंथा में देखेंगे तो जो ऊपर की पत्तियां हैं जो एकदम छोटी छोटी निकाल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो किसान भाई, आप अगर पत्तियों को ऊपर देखेंगे तो इसमें एकदम छोटे छोटे आपको कीट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको माहू देखने को मिलेगा, तितली देखने को मिलेगा और इसमें आपको भुनगे भी देखने को मिलेंगे। पौधे को आप हिला के देखेंगे तो किसान भाइयों, तो इन कीटों को कैसे हम ख़त्म करें और कौन सी दवा किस तरह के जिससे हमारी जो पत्तियां होती हैं मेंथा की वो बड़ी बड़ी निकालना शुरू कर दे और जो मेंथा का ग्रोथ हम तेज़ी से कैसे लें। तो किसान भाई, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसान भाई, शुरू करते हैं। तो किसान भाई, जो मेंथा के ऊपर की पत्ती एकदम छोटी निकाला तो हमको एक कोई अच्छा सा फंगीसाइड ले लेना है। तो हमने लिया है इंट्राकॉल, इसमें तो काउंटेड फंगीसाइड है। तो किसान भाई, उसको हमको ले लेना है 50 ग्राम प्रति 16 लीटर पानी के हिसाब से, और साथ में एक कीटनाशक ले लेना है जो हमारा इक्का के नाम से होता है। इसमें स्ट्रम्पिट होता है 20% स्प्रे। तो किसान भाई, उसको जो ये कीटनाशक है इससे हमारा क्या होता है, जो तरबूज में हम डालते हैं तो उड़ने वाले जो कीट होते हैं भुनगा है और साथ में जैसे जो हमारे तितली है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाई, अगर ये आपके पास आपके यहाँ नहीं मिलता तो बायो R303 होता है, लेकिन थोड़ा मतलब महंगा कीटनाशक है। इसका आप स्प्रे कर देंगे तो आपके जो उड़ने वाले कीट हैं इससे आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो किसान भाई, इसको जो कीटनाशक है इसका, इसको आप ले लेंगे, ये 100 ग्राम का पैक होता है, इसको हमको ले लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ में एक और कीटनाशक है इस एक्स्ट्रा सुपर के नाम से। किसान भाइयों, इसमें थायो मेथा क्लास में होता है, जो इसमें 25% WP जो मतलब ये पाउडर फॉर्म में होता है किसान भाइयों। तो इसको हमें ले लेना है 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो किसान भाइयों, इससे हमारे जो पत्तियों में आप देखेंगे मेंथा में एकदम छोटी छोटी पत्तियाँ निकालता है जो हमें मेंथा, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें माहू लगा होता है जो एकदम हरे हरे कीट होते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो नई पत्तियाँ होती है हमारी मेंथा में वो माहू जो लगा होता है जिससे हमारी नई पत्तियों का विकास नहीं हो पाता, जिससे हमारी मेंथा की ग्रोथ रुकी रहती है। तो किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को आप मिक्स करके आपकी अपनी मेंथा पर स्प्रे कर देंगे तो आपकी जो मेंथा की ग्रोथ रुकी हुई है और नई पत्तियां नहीं फोड़ रहा है तो आपकी नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार किसान भाइयों।